ते व्यायाम प्यान उस समय कंसार करें ना उसके अंदर सान गुरु को ठंड बारी के समय सब उसमें देगा ना पानस लेवन आ रहे हैं सब बहुल हैं वह ससित हैं वह सित हैं वह वो सिदे वो सिदा वो सिरामी आज हम यहाँ पर जो है उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर ये विशेष करके जो है 13वां चैप्टर ये जो अध्ययन है इस अध्ययन का मुख्य नामकरण ही इन्होंने रखा है और इसमें जो नाम दिया है चित्र संभूति। किसी किसी अध्ययन के अंदर जो प्रसंग बने हैं किसी के निमित्त आए हैं किसी के जो है चरित्र है किसी के जीवन प्रसंग है और किसी किसी के पूर्व जन्मों के संबंध जो चल रहे हैं वो रेफरेंस लेकर के यहाँ पर जो है एक अध्ययन एक चैप्टर पूरा समझाया जाता है। तो यहाँ पर चित्र और संभूति ये दो भाई थे और इन दो भाइयों का जो है संसार कैसा चला है और कैसे दो भाई किस जन्मों में किस तरीके से इकट्ठे होते हैं वही जीव साथ में कैसे चलते हैं वही दोनों साथ में भाई कैसे बनते हैं वही वापिस जो है अलग कैसे होते हैं दोनों की दिशाएं अलग कैसे होती है कैसे उनको पूर्व जन्म के पास्ट मेमोरी ओपन होने से फिर वापस रिलेशन याद आते हैं कैसे वो इकट्ठे होते हैं और फिर इनमें से दोनों की दिशाएं कैसे उल्टी विपरीत हो जाती हैं फिर एक भाई साधु बन जाता है दीक्षा लेता है और दूसरे भाई को राजगद्दी मिलती है तो भोग विलास में पड़ने के कारण साधु बना हुआ भाई उनको समझाने आता है। अब ये है उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री है। इन दोनों भाइयों के नाम है चित्र और संभूति उनके नाम से ये चैप्टर बना है लेकिन इन दो भाई के बीच में डायलॉग क्या हुए व्हाट टाइप ऑफ द डायलॉग व्हाट टाइप ऑफ द डिस्कशन किस भाई ने किसको कैसा समझाया किस भाई ने किसको क्या क्या कहा कैसे उस एक भाई को उसकी गति न बिगड़े इसलिए दीक्षा लिए हुए साधु संत एक भाई के रूप में आकर उनको कैसे समझाते हैं ये पूरी डायलॉग का ये 13वां चैप्टर जो है। अब विजय भाई इसके पीछे एक स्टोरी तो है 5 जन्मों के अब आप बोलो तो बताऊं स्टोरी फिर क्या करूं। जी सिंह जी साहब जी जो आप ठीक समझे वो प्लीज करिए। क्या है लंबा होता है ना इसलिए और कोई कारण कोई बात नहीं कोई बात नहीं जो भी आप सुन। तो यहाँ पर जो है हम पहले इनके भवों के बारे में देखेंगे तो थोड़ी स्पॉटलाइट यहाँ मिलेगी। आप देखो हाँ जी यहाँ पर पूर्व पास्ट हिस्ट्री समझाने के लिए हम इनके पिछले कुछ जन्मों को साथ में देखेंगे तो ही हमको समझ में आएंगे सर। तो आपको ये समझना है कि आखिर कौन थे ये कैसे हुए साथ समझे कि नहीं। साकेत राजा चंद्रावतन से के पुत्र मुनि चंद्र और राजा ने सांसारिक काम भोगों से विरक्त लेकर के सागर चंद्र मुनि के पास दीक्षा ली। अब विहार करते करते वो एक बार जंगल में आ गए साहब। अब जंगल में आने से मुनि भगवान के अब वहां पर वो रास्ता ही भूल गए थे। अब उनको भूख प्यास वगैरह काफी लग चुकी थी। इतने में वहां पर जो है वो ग्वाले जो थे
गाय भैंस जंगलों में जाते हैं, चराते हैं, उनके पुत्र थे वो ग्वाले कहलाते हैं। तो वो चार लड़के वहां पर आए थे साथ। अब उन चार पुत्रों ने उनको देखा, उनकी दशा देखकर करुणा ही दया ही उन्होंने, और दो जनों ने मुनियों की सेवा की, और मुनियों ने चारों गोपालकों को धर्मोपदेश दिया, और वो सुन करके चारों बालक ने प्रतिबुद्ध होकर के और मुनि महाराज के पास दीक्षा ले ली। अब चारों भाई तो दीक्षा ले, उसमें से दो मुनि जो थे वो अन्य साधुओं के गंदे वस्त्र, मैले मलिन कपड़े, नाना नहीं धोना नहीं, मलिनता, ये सब देख करके उनको बड़ी दुर्गंध छा हुई साहब, अप्रिय लगा। तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, वो ये साधु महाराज जो है बहुत गंदे रहते हैं, फिर जो है इनके अंदर ऐसा है, तो वो हमेशा उनकी जुगुप्सा करते थे, संयम पालन करने में वो मृत्यु प्राप्त तो हो गए, मरने के बाद वो देव गति में गए, और वहां देव गति में वहां से भी आयुष्य पूर्ण करके अब वो दशार्ण नगर में शांडिल्य ब्राह्मण के दासी के, एक दासी थी उनके घर में, यशोमती पत्नी थी, उनके घर में आकर के ट्विंस के रूप में पैदा हुए था। नंबर एक यहाँ पर आप देखेंगे पहला जन्म। अब ये फर्स्ट ग्रंथ के अंदर जो है ये ट्विंस के रूप में, दो भाई के रूप में पैदा हुए। अब इसके पहले भी यहाँ पर ये आपने देखा कि इसी तरह से थे। अब ये चल रहा है इनका, अब ये यहाँ से वापिस जो है ये पहले ही दो भाई के रूप में पहले पैदा हुए थे, चार भाई थे ग्वाले के रूप में। अब यहाँ से ये दूसरे जन्म में जा करके स्वर्ग के अंदर, वहां पर भी स्वर्ग में देवता बने साथ में, और जो है वो वहां पर देव गति में गए। अब वहां से फिर उतर करके ये फिर वापिस यहाँ आकर के प्रिंस को ही नाम दिया है युगल। इन योर इंग्लिश लैंग्वेज वी आर यूजिंग द वर्ड प्रिंस, बट इन संस्कृत दे आर एज ए युगल, मतलब सजोड़े साथे जन्मया। अब वहां से भी जो है इन पुत्रों का जन्म हुआ, और एक बार दोनों भाई अपने एक फार्म के अंदर काम कर रहे थे, वृक्ष के पेड़ के नीचे सो रहे थे। तो उस समय जो है जंगल के अंदर एक सांप आया, और सांप ने आकर के एक के पैर में काटा। सांप ये ए और ये बी ये है, तो उसमें एक को काटा तो उसकी मृत्यु हो गई, तो दूसरा भाई उठकर सांप को मारने गया, क्योंकि तो दोनों भाई थे। अब एक को काटा तो दूसरा भाई समझता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, तो वो सांप को मारने गया तो निशाना चूक गया, सांप को तो नहीं लगा पत्थर, लेकिन उस सांप ने आके उसको भी काटा। दोनों भाई यहाँ से मृत्यु होती है। अब ये दोनों यहां से मर करके तीसरे जन्म के अंदर हिरण के रूप में बनते हैं, जंगल के अंदर डियर के रूप में हिरण बनते हैं। सोचिए अब ये बेचारे दोनों बच्चे हैं, छोटे हैं, हिरण जंगल में घूम रहे थे, फिर रहे थे, ऐसी स्थिति में आकर के एक शिकारी ने इनके ऊपर तीर डाला मारने के लिए। अब जैसे इनको आकर के तीर लगा तो दोनों साथ में खड़े थे, दोनों में तीर पसार हो गया, दोनों वहां पर मृत्यु हो जाती है। हेलो हेलो, क्या हाँ जी ताराबेन जैन, आपका म्यूट करिए। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से इन दोनों हिरण की मृत्यु होती है, और ये चौथे जन्म में आकर के ये यहाँ पर जिसको हम डक कहते हैं, वो डक के रूप में हंस के रूप में बनते हैं ऐसा। अब ये दो हंस एक साथ में, अब यहाँ भी कोई शिकारी आता है और वो भी इनको जाल में पकड़ के इनको भी गर्दन मरोड़ के मार देता है सर। अब ये वहां से मरने के बाद ये निकलते हैं, और ये वहां से निकल करके ये आते हैं, इनके अंदर से ये फिफ्थ लाइफ के अंदर एक बनता है चित्र,
और दूसरा बनता है संभूति। ये आप देख रहे हो रेगुलर इनकी लाइफ साइकिल जो चल रही है, बर्थ एंड डेथ की लाइफ साइकिल, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, अब ये तो चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्विंस के रूप में साथ में जुड़ करके आते हैं। आज भी देख रहे हैं कई घरानों के अंदर कई लेडीज की डिलीवरी में ट्विंस पैदा होते हैं, तो वो आखिर क्या कारण क्या है? ऐसे दो दो जीव एक साथ में आ जाते हैं मनुष्यों के अंदर, कोई बहुत रेयर है ऐसी बात नहीं है, आते हैं। लेकिन एनिमल लाइफ में तो आप जाओगे तो डॉग के अंदर है या पिग के अंदर है, एक एक साथ में पांच पांच है, सात सात है, दस दस है, कितने बच्चे पैदा होते हैं। एक एक जो है माउस इतना छोटा सा होता है लेकिन उसके भी चार पांच बच्चे हो जाते हैं, ये आप देखिए समझे। अब संसार के अंदर तो ये चल ही रहा है ना, इसी का नाम तो संसार है। अब यहाँ पर ये जो चित्र और संभूति भाई आ रहे, इनको जब पास्ट मेमोरी ओपन होगी तब इनको ये पास्ट लाइफ सब दिखाई देगी, ये सब जानेंगे समझेंगे पास्ट लाइफ इनकी क्या कैसे, ये समझेंगे देखेंगे तब इनको ख्याल आए। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो जन्म चल रहे हैं, कब मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य में से एनिमल लाइफ में आए, देवगति में गए, देवगति से फिर मनुष्य में आए, फिर एनिमल लाइफ में आए, एनिमल लाइफ में एक बार हिरण बने, एक बार हंस बने, फिर मनुष्य ह्यूमन लाइफ के अंदर आते हैं सर। ये है कर्म के सिद्धांत के कारण। अब जो जीव चलते चलते जैसे कर्म बांधेंगे, किन कर्मों के कारण वो कैसे बनेंगे, सब क्या होगा, ये पूर्व जन्म के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, अब कब किसको याद आएंगे, पास्ट मेमोरी कब ओपन होगी, कब किसको समझ में आएगा कि मैं कौन था पिछले जन्म में, मेरा भाई कौन था, वो कहाँ था, मैं कहाँ था, कौन कैसे थे, ये सब अलग 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 संसार है, सबको ध्यान में आएगा। अब बात ये चल रही है कि ये तो संसार चलने ही वाला है, तो यहाँ पर चित्र और संभूत जो थे ये दोनों भाई हैं अपनी तरह से अपार, बिल्कुल बहुत प्रेम, अच्छा प्रेम था दोनों भाइयों के अंदर चल रहा था। बनारस के अंदर जो उस समय संत राजा के नमुची नाम का उनका मंत्री था, सब सेक्रेटरी जो था, अब वो किसी अपराध में पकड़ा गया तो क्रोधित होकर तो उसको मौत की सजा दी गई। अब उसको फांसी देने के लिए इनके जो फादर थे, चित्र और संभूत के जो फादर थे, उनका नाम था भूतदत्त नाम था। उस समय वो जेलर के रूप में थे ऐसा, उस समय उन्होंने उस समय वहां पर वैसा कार्य किया था, तो वो उनको बुलाया गया। तो उस जेलर ने जब नमुची जो सेक्रेटरी था उसको सजा देनी थी, लेकिन उसने देखा कि मेरे बेटे को पढ़ाएगा सिखाएगा, ये अच्छा ट्रीट कर सकता है, तो उन्होंने जो है उसको नमुची जो सेक्रेटरी था उसको छिपा दिया, उसको छिपा करके रखा, भैया तुम इनको पढ़ाओ, अपने दोनों बेटों को अच्छी तरह से पढ़ा सिखा करके जब तैयार कर दिया, अनेक विद्याओं में एक्सपर्ट कर दिया, और फिर वो वहां से चले गए। तो वहां पर जो है चंडाल की पत्नी नमुची के साथ जो है वो गलत रास्ते के कॉन्टेक्ट में आ गई और वो उसके साथ में गलत रास्ते चले गई साथ। ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों बेटों की माँ जो है वो गलत रास्ते गई, तो अब करना क्या। ऐसी स्थिति के अंदर नमुची के उनको सावधान किया, चेताया गया, और फिर उनको वहां से प्राण बचा करके वो भाग करके हस्तिनापुर नगर के अंदर चला गया। इधर चित्र और संभूत जो है ये अपनी तरह से बहुत अच्छी नृत्य कला और संगीत म्यूजिक के अंदर एक्सपर्ट हो गए। लेकिन ध्यान रखिए भाई साहब, ये चंडाल जाति के अंदर हल्के कुल में पैदा हुए थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर उस समय उस काल के अंदर कास्टिसिज्म, कास्ट एंड क्रीड के अंदर जातिवाद में ऊंचा नीचा हल्का भारी ये सब बहुत चलता था, बहुत चलता था।
ऐसी स्थिति के अंदर उनकी आर्ट और कला, उसके कारण उन्होंने अपना ड्रेस वगैरह सब चेंज किया और पब्लिक फंक्शन में ये प्रोग्राम देते थे, कई इवेंट में ये अच्छी तरह से जाते थे और इनके म्यूजिक की कला, इनके डांस आदि की कला से लोग प्रसन्न होते थे। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी तरह से इनकी पब्लिसिटी जब हुई तो गांव के लोग जब इनके पास आए तो कुछ ब्राह्मण वर्ग जो थे, दोज हु आर नोइंग देम वेरी वेल, तो वो उन्होंने आकर के फिर इनको पकड़ा, फिर उन्होंने उनका ड्रेस चेंज कराया तो बोला तुम तो चंडाल जाति के हो, तुम चंडाल जाति के हो, तुमने ये हमारे लोगों में ऐसा क्यों कराया, ऐसा क्यों किया। वो जान करके अब उसको वहां से भगाए दोनों को, और भगा करके उनको मारते पीटते नगर से निकाल दिया कि आइंदा से दूसरी बार सेकेंड टाइम यू मस्ट नॉट कम इन अवर कंट्री एंड डोंट डू दिस टाइप ऑफ एनी म्यूजिकल प्रोग्राम और वॉट एवर इट मे बी। अब उस समय में तो ये कास्ट का बहुत चलता था सर। ऐसी स्थिति में आकर के अब वो वहां से जो है निकल तो गए, लेकिन अब करना क्या सब, करते करते चंडाल जाति में होने के कारण उनको एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन आया। दोनों भाइयों ने डिसीजन लिया कि चलो हम सुसाइड कर ले, ये कास्ट के कारण जो है हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है, तो हम चलो सुसाइड कर लेंगे। अब भाई साहब क्या करना, बोलिए सर। ये सुसाइड करने के लिए एक माउंटेन पर गए, तो वहां माउंटेन पर जाकर के दोनों ने अपनी तरह से डिसीजन लिया कि हम दोनों ही मरते हैं, क्या मालूम क्या उनका पुण्य अचानक उस समय वहां पर विहार करते जैन साधु संत आए, और वो जो जैन साधु संत वहां पर आए और उन्होंने उनको देखा, दोनों को बुलाया, उनको बुलाया तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक दो मिनट आ गए, कोई साधु संत दर्शन कर लेते मरने के पहले, इनको वंदना कर लेते, नमस्कार कर लेंगे और क्या करेंगे सर कुछ। साधु संत ने उनसे दो बात पूछी, भैया तुम कुछ ज्यादा टेंशन में लग रहे हो, तुम्हारी कुछ चिंता ज्यादा लग रही है, ऐसी ऐसी बात है, क्या है, क्या क्या करने जा रहे हो। तो फिर उन्होंने अपनी वास्तविक सारी हकीकत बता दी सर, लेकिन हुआ ऐसा हकीकत बनाने से साधु संत महात्मा ने कहा भैया इतना कीमती मनुष्य जन्म मिला है और आप ये क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा जन्म बिगाड़ते हो, अरे ऐसा ही आपको टेंशन है और नहीं जीना है तो आ जाओ साधु संत बन जाओ। बोले महाराज जी हम क्या करें, हम चंडाल है ना, ओबीसी और सीएससी ग्रुप में से आते हैं, तो हम कैसे करें क्या करें। बोले कोई चिंता मत करो, साधु बनने के लिए कोई कास्ट नहीं होती है सर, एनी बड़ी कैन फ्रॉम एनी क्लास कास्ट यू सी, कोई भी आकर साधु संत बन सकता है, क्योंकि साधु संत बनने के बाद अब कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं रहती है, आप अपनी तरह से आओ साधना करो, अपना जन्म सफल करो, क्यों बिगाड़ते हो। चलिए महात्मा जी ठीक है, अब आप इतनी कृपा कर दो, क्योंकि हम तो मर नहीं जा रहे, तो बेटर है कि आप अगर हमको साधु बनाते हो तो हम तो दीक्षा लेने को तैयार है, मरना ही है तो फिर क्या। अब वो साधु संत बन गए। बनने के कई वर्षों के बाद फिर बिहार करते करते हस्तिनापुरी नगरी में जब आए तो नमुची जो सेक्रेटरी था ना, पहले उन्होंने देख लिया, अब उसने देखा कि बोले ये तो हमको पहचान जाएंगे मेरे को, तो अब इधर ही नगर में आ रहे हैं तो फिर लोगों के सामने ये मेरी पोल खोलेंगे, बात करेंगे, फिर वातावरण बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं है। तो उस समय उस नमुची ने हस्तिनापुर में कुछ युवकों को तैयार करके उनको पत्थर मारे, उनको मारा मारी की और उनको गांव से भगा दिया, बोले आप इस गाँव में नहीं आओगे, आप हस्तिनापुर में नहीं आओगे, वहां से मारते पीटते उनको निकाला, समझे गए कोई मतलब नहीं रहा, वो वहां से निकल गए। दोनों जने कहा चलो भाई ठीक है, जो भी हो, इनको जो लगता हो ऐसा लगता हो, लेकिन इनके अंदर ये संभूति जो था वो बड़ी तपस्या करते थे, मासक शमन की बड़ी बड़ी उग्र तपस्या करते थे, और ये लोगों ने जब मारपीट करके निकाला सब,
तो देखिए उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र का सेकंड चैप्टर आपने जो सुना है कि जिसके अंदर साधु को तो 22 परिसर सहन करना, और उसमें जो 22 परिसर 22 उसमें सेकंड लास्ट एंड लास्ट के अंदर तो लिखा है मरणांत तो उपसर्ग सहन करना, मृत्यु की नौबत भी आ जाए तो भी सहन करवा, कोई ना नहीं। लेकिन उनसे नहीं रहा गया, बोले हमारा कोई कारण नहीं, हमने कुछ नहीं, हम तो वैसे भी सुसाइड करने जा रहे थे, ये साधु संत मिल गए, इनके पास हम सन्यासी बन गए, साधु संत बन गए, अब हमारा तो कोई अपराध नहीं है, ये लोग क्यों मारे। इनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपने मुंह से तेजोलेश्या फेंकी, तेजोलेश्या फेंक करके अब लोग जलने लगे, मरने लगे, भागने लगे, संदेह गए, अब सबको पता चल गया ऐसा। ऐसे चलते 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 जब किसी उनको सागर चंद्र जो थे चक्रवर्ती, उनको पता चला भाईसा कुछ ना कुछ, सनत कुमार जो है वो वहां पर आए, सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उन्होंने देखा कि अरे 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 ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, समझा के नहीं, ये तो साधु संत है, ये त्यागी तपस्वी है, इनकी तो लब्धि और शक्ति और सिद्धियां हैं, इनके सामने कोई नहीं टिक पाएगा सर। लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, लेकिन संभूति मुनि ने अपनी तरफ से अपनी तेजोलेश्या जो फेंकी था वो पीछे नहीं हटे। लोगों ने आकर के क्षमा याचना की, आखिर सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उन्होंने आकर महाराज जी को नमस्कार किया, वंदना की, कहा गुरु जी आप तो बड़े महान त्यागी तपस्वी संत हो, आप हमें क्षमा कर दो, ऐसा नहीं होगा दूसरी बार, मैं ध्यान रखूंगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सबको क्षमा याचना कर दी साहब। चित्र मुनि भी आए, उनके दो भाई साहब थे मुनि, वो भी आए, उन्होंने भी आके आज समझाया, देखो एक तो आप तपस्या कर रहे हो बड़ी उग्र तपस्या मासक चमन की, लेकिन इतनी उग्र तपस्या में आप इतना क्रोध करोगे और ऐसा करोगे तो कितनी जीव की हिंसा होगी, कितना पाप लगेगा। उन्होंने फिर वो छोड़ दी बात, समझेंगे ना, चलो भाई ठीक है। ऐसा करके जब वो वहां से संभूति मुनि शांत हो गए, अब तेजोलेश्या की सामग्री वगैरह उन्होंने वापस ले ली, और वहां से हट करके उन्होंने दोनों ने अपनी तरह से विहार किया। विहार करके निकले, सनत कुमार चक्रवर्ती अपने अंतपुर रानियों के साथ आकर उनको वंदना करने लगे, महाराज जी आप तो इतने उग्र तपस्वी हो, दीर्घ तपस्वी हो, धन्य है आपकी इतनी बड़ी तपस्या हो, नतमस्तक होकर उनके चरणों में वंदना की। विजय भाई आप जानते हो जैन साधु का पद तो राजा महाराजा चक्रवर्ती से कितना ऊंचा होता है, कि एक बार तो चक्रवर्ती भी आकर के चरणों में झुक कर वंदना करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो भाई होते हुए दो भाइयों का नेचर जो था वो बिल्कुल इतना फर्क है, इतना फर्क है, आसमान जमीन का अंतर है था चित्र मुनि और संभूति मुनि का। अब इन दो भाइयों का जो नेचर जिस प्रकार का जैसा है, अब इन दोनों के अंदर जो है दोनों मुनियों ने विचार किया कि चलो भाई हम क्या करें, कैसे करें, समझे अपनी साधना करने के विषय में जब इन्होंने विचार किया, माँ सक्षम आदि की तपस्या करते हैं, लेकिन ये सनत कुमार चक्रवर्ती चरणों में वंदना कर रहा था, तब उनकी रानियां जो थी वो भी तो साथ में थी, वो भी वंदना कर रही थी, और ऐसा ही कुछ हुआ कि रानी के केस जो है संभूति मुनि को स्पर्श हो गए और अंदर की थोड़ी वासना जग गई। संभूति मुनि ने अपनी दीर्घ मासक श्रमण की तपस्या का नियाणा किया, जिसको बोलते हैं निकाचित कर्म बाध्य, मेरे इस मासक श्रमण की दीर्घ तपस्या से अगर मुझे कोई फल मिलने वाला हो तो मैं भी अगले जन्म में चक्रवर्ती बनूं, ऐसा निकाचित नियाणा किया। चित्र मुनि ने आकर बहुत समझाया, वो भाई थे, उन्होंने कहा आप बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा मत करिए, हमारी तपस्या मात्र हमारे कर्म क्षय के लिए होती है, हमको सिर्फ निद्रा करनी है, कर्म क्षय करना है, हमको ये गलती नहीं करनी। देखिए हम तो साधु जीवन में है, यहाँ तो राजा महाराजा सब आएंगे, कोई भी आए, कभी चक्रवर्ती भी आएंगे, कभी राजा महाराजा जो भी आएंगे, हम तो त्यागी है, संसार के त्यागी तपस्वी साधु संत है, आप क्या कर रहे हो,
ऐसा मत करो। चित्र और संभूति दोनों मुनि अपनी तरह से अनशन करते हैं, और वो जो अनशन उनका साधारण अनशन जो है, अब उस समय आप देखिए जो भी काय संलेखना है, अब काय संलेखना धारण करके वो बैठे हैं, लेकिन संभूति मुनि निकाचित नियहा कर लेते हैं। बहुत बड़ी गलती होती है साथ, क्या है राग्रेश कसाई की धारा में कोई निकाचित नियाणा करे और संतारा करे तो कोई मतलब नहीं रहता। उनको समाधि भाव में रहना है, समता भाव में रहना है, ध्यान साधना करनी है। वो साधना करने में किसी पर राग्रेश न करे, नहीं तो अपना भाव बिगड़ जाएगा। संतारा को जन्म बिगाड़ने के लिए नहीं किया जाता है, और संतारा उसी को लेना है जिसको काफी अच्छा मेडिटेशन का, आत्म ध्यान की साधना का अभ्यास हो। वेदना पीड़ा होगी ये बात निश्चित है, मन विचलित न हो, मन स्थिर रहे और वो किसी पर राग द्वेष न करे और स्वयं भी आर्त ध्यान न करे तो संखारा उपयोगी पड़ता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने संखारा लिया, अनशन किया, लेकिन निकाचित नियाने के विचार नहीं छूटे, बहुत बड़ी समस्या हो। चित्र मुनि ने बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। आखिर इन्होंने अपना नियाना किया, आयुष्य पूरा हो गया, मर करके ये चक्रवर्ती के रूप में आते हैं। तो ये है आखिर अपना आयुष्य समाप्त होते ही अब इन्होंने अपने दोनों ने जन्म में अलग अलग स्थानों में जाकर उत्पन्न होते हैं। चित्र का जीव तो पुरीमताल नगरी के अंदर एक अत्यंत धनपति नगर सेठ के वहां पुत्र के रूप में पैदा हुए, और संभूत विजय जो होते हैं वो कंपिल्य नगर में ब्रह्म राजा की रानी की चुन्नी की कुक्ष में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और उस बालक का नाम ब्रह्मदत्त रखा गया जो आगे चलकर चक्रवर्ती बने। एक भाई, अब आज इतने जन्मों के बाद जो है ये दो भाई अलग अलग दिशा में जा रहे, कैसा कर्म का खेल है देखिए। कब कर्म कैसे संयोग में आता है, कर्म के कारण दो भाई जुड़ भी जाते हैं, और कब कर्म उल्टी दिशा में विपरीत चलता है और दो भाई अलग भी हो जाते हैं। कब राग जो है किसको जोड़ता है और कब द्वेष किसी को दुश्मन बना देता है। ये है राग द्वेष की परंपरा, बड़ी विचित्र चलती है। बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति इन राग द्वेषों से बचे तो बचे, नहीं तो नहीं बच पाते, बहुत बहुत सोच समझ करके। अब हुआ ये, यहाँ पर आप देखिए कि इनके अंदर से ये दोनों आए, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ये अपनी तरह से ये चक्रवर्ती बन गया। सब चक्रवर्ती का मतलब छह खंड का राजपाट वैभव सब मिलाए। किसके आधार पर मिला है? संयम जीवन, साधु जीवन की तप तपस्या के आधार पर मिला। और लेकिन इसके पीछे इतना ये किया, नियाना किया है, किस तरह से इन्होंने अपना चारित्र बिगाड़ा लिया। अब हुआ ये कि चित्र ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, और इनको जो है नाटक देखते 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 द पास्ट मेमोरी इज ओपन नाउ, तो उनको पास्ट मेमोरी ओपन होने से पिछले जन्म सारे सब कुछ दिखाई दी। पास्ट लाइफ के अंदर हम कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, किस प्रकार के जन्म हमने किए, ये सब उनको जानने में आया, देखने में आया। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रथम देवलोक के पद्म गुल्म विमान के अंदर उन्होंने देखा, और पांचों जन्म से अपने साथी चित्र को वहां पर छठे भव में अलग जन्म लेकर के वो बिल्कुल अलग दिशा में गया, उनको देखा। फिर इनको बड़ा दुख हुआ कि अरे ये कैसे हो गया, हम दोनों अलग अलग हो गए। तो इन्होंने उस समय एक आधा श्लोक की रचना की, अश्वदासो मृगौ हंसौ मातंग था। ये आधा श्लोक लिख करके पब्लिक में अनाउंसमेंट किया, जो भी मुझे इस श्लोक का आधा भाग बना करके या जोड़ करके लाकर देगा सब
उनको मैं आधा राज्य दे दूंगा, ये इन्होंने अपनी तरह से अनाउंसमेंट करवाया। तो ये तो चलता रहा लंबे टाइम तक। योगानुयोग ऐसी स्थिति के अंदर जो है चित्र का जन्म पुलिमताल नगर में धनसार सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में हुआ था। वो यौवन वन में आए, उन्होंने एक बार भी उनको भी पास्ट मेमोरी ओपन हुई और इस पास्ट मेमोरी से उन्होंने मुनि बने और वो मुनि तो बन गए। और फिर एक बार विहार करते करते कांपिल्य नगर में उद्यान में आए और ध्यानस्थ होकर के खड़े रह गए और वहाँ कोई जो है रेड चलाने वाले के उक्ति से उन्होंने मुंह से सुना कि भाई ऐसा ऐसा है। तो ये पूर्व जन्म की पास्ट मेमोरी के कारण इन्होंने उसका आधा श्लोक जोड़ करके बनाया, ऐसा नौ सस्ती का जाति अन्यभ्याम विभुक्त वियुक्त यो। ये श्लोक बनाकर उसको दिया और कहा तुम जाओ उसको जोड़ देना, उनको बोल देना। अब इनका श्लोक सुन करके वो भी वहां से आए धर्मदत्त के पास। यहाँ आकर के उनको पूरी स्टोरी बता करके ये श्लोक बताया। तो उन्होंने जाकर के इसको भाई इसको पकड़ो, कौन है कौन है कौन है। तब जाकर के उसने कहा कि देखो मैं नहीं हूँ, मुझे बताने वाले ये मुनि है, इनके पास से मैंने ऐसा सुना है ऐसा। उनको बुलाया आप, तब जा करके बुला करके लेके आए। तब जा करके एक पासलोक की पाद पूर्ति आपने कैसे की। अब उस समय परिवार से मुनि के दर्शन के लिए उद्यान में पहुंचे तो ब्रह्म दत्त ने वंदना की और सभी ने बैठ कर उनके पास बैठे, पूर्व जन्म के स्मरण की दोनों ने बातें की। अब दोनों को ही पास मेमोरी ओपन हो गई थी दोनों को, तो उनको दोनों को ख्याल आ गया। तो दोनों यहाँ मिले, अब मिले तब एक तो भाई है दीक्षा ले चुके हैं और एक भाई तो छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती बन करके भोग विलास में मशगूल है। ऐसी स्थिति में दीक्षा लिए हुए चित्र मुनि भाई इनको समझा रहे हैं कि आप भी संसार छोड़ करके दीक्षा ले लो। तो ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ये उनको समझा रहे हैं कि तुम भी संसार छोड़कर ये दीक्षा छोड़कर संसारी जीवन में मेरे साथ आ जाओ। अरे क्या करना है साहब, ये खाओ पियो मजा करो संसार के सुख भोगो, छोटी सी जिंदगी है क्या करना है। अब विजय भाई ऑलरेडी दिस इज द पास्ट बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द बोथ ब्रदर दे आर डिस्कसिंग विथ ईच अदर, दैट्स व्हाई द महावीर स्वामी हैड गिवन हियर द 13th चैप्टर ऑफ चित्र एंड संभूति। सुदर्शनाबेन गांधी जी ऑलरेडी आई एम गिविंग यू द पास्ट बैकग्राउंड हिस्ट्री एज ए चरित्र कैरेक्टर, आइदर यू कैन से द कैरेक्टर और यू कैन से द स्टोरी वॉट एवर इट मे बी, बट नाउ यू कैन लिसन दिस, दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस। बट इट टेक विजय बाई द 30 minutes ऑलरेडी, बट वॉट कैन आई डू बिकॉज ऑफ द 5 बैक लाइफ यू सी। सो दिस इज द बर्थ एंड डेथ साइकिल विच इज गोइंग ऑन। सो फर्स्ट लाइफ, सेकेंड लाइफ, थर्ड लाइफ, फोर्थ लाइफ, फिफ्थ लाइफ एंड सिक्स लाइफ। Now both are discussing. So what is the dialogue between two brothers? You see, what type of the dialogue? So this is the 13th chapter. Now I will start to read each and every sloka of this chapter and will give you the proper meaning. You can listen this. Jai parajiyo khalukasi niyanam tuhathina purammi tulani bambhadatto uvavanno paumagummao। देखिए चंडाल जाति के अंदर एक लोअर कास्ट के अंदर जन्म लिए हुए और पराभव से संभूत मुनि ने पूर्व जन्म के अंदर हस्तिनापुर नगर में जो चक्रवर्ती पद की प्राप्ति से नियाना किया था, अब उसके मन में इस प्रकार के तप के फल रूप में चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि ने प्राप्त की है। और उधर जो है पद्म गुल्म विमान में देव रूप के उत्पन्न हुए और वहां से उतर करके चुल्ली रानी की कक्ष में ये ब्रह्मदत्त बनते हैं, ये चक्रवर्ती होते हैं। कम पिल्ले संभूचितो पुन जाओ पुरी मतालम में सेधी कुलम में भी साले दम्मम सो उन पव्वयो। अब संभूत का जीव जो है कांपिल्य नगर में उत्पन्न हुआ और उनका भाई चित्र का जीव जो था वो पुरी मताल नगरी के अंदर एक शेठ दम शेठ के कुल में उत्पन्न हुआ ऐसा। और वो तो वहां पर भी जाकर के दीक्षा लेता।
साहब जी निहाना का मीनिंग जरा बताएंगे? अभी आ रहा है, मैं वही आ गया। हाँ जी, नियाना मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। चलो अच्छा है, विजय बहन ने रिक्वेस्ट की है। तो ये जो एक कर्म हम बांधते हैं प्रकृति, हाँ जी, नाउ दिस इज द मोहनीय कर्म एंड देर आर सम अदर ब्रांचेस ऑफ द मोहनीय कर्म। सो दीज आर द टू ब्रांचेस, वन ऑफ देम इज द राग एंड अनदर इज द द्वेष। नाउ अगेन द राग हैव अलग द टू ब्रांचेस इनसाइड, द वन ऑफ देम इज द माया एंड अनदर वन इज द लोभ। Again, that grace has also the two branches inside, one of them is the growth and another is the man. So all of them, they are the four kasaya. Now either some maya and rag, you see the attachment with them, the person having that type of love. Ab kisi karan se agar teevra rag banta hai, और कोई सत्ता ये संपत्ति, कोई पद या प्रतिष्ठा या यश कीर्ति या किसी वस्तु के लिए वो तीव्र प्राप्ति की इच्छा करे, बस आई वांट दिस, एनी हाउ आई वांट दिस, एनी वे आई वांट। अब उसके लिए वो दीर्घ लंबी तपस्या, either maybe of so many fastings or so many practice of penance, whatever he is doing, no doubt always the practice of penance is only for the karma nature, it is for karma itself. But the person, those who are not doing that karma nidra but having the particular object in his mind, you see, I want this, I want this, wo kabhi satta mein, koi pad mein, koi pratik, कोई यश कीर्ति को जिसको प्राप्त करने के लिए वो इच्छा रखता है, प्रबल इच्छा रखता है। हाँ, तो ये जो करता है जिस समय, तो उसके अंदर तीव्र राग, लेकिन बैकग्राउंड में तपश्चर्या, मासक्षमण, अट्ठाई, वॉट एवर इज डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस, तो वो करते करते अब अपनी इच्छा को प्रबल करना चाहता है। I don't want to do any karma kshay or nidra, no, but I want to achieve this thing. I want to be a good king, you see. Whatever I am doing, any type of tapasya and practice of penance and everything, but I want only this. Ye jab karne lagta hai, to ye tivrata, ab ye tivrata uski jo hai, isko hum niyana kehte hain. हमारी लैंग्वेज के अंदर दूसरा वर्ड इसके लिए निदान है। अब ये निदान के लिए इसने जितनी तपस्या की और तीव्र राग से एक सत्ता को, संपत्ति को, पद को, ये जो भी लक्षित करता है बस वही प्राप्त करना है उसको, उसी से मतलब है, दूसरा कुछ नहीं चाहिए था, ये स्थिति होती है यहाँ पर। तो इसको कहते हैं नियाना। अब शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं कि ऐसी गलती नहीं कर। ये सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये तो एक्स्ट्रा पुण्य से उपार्जन हो सकती है, इट इज पॉसिबल। कोई भी एक्स्ट्रा पुण्य प्रकृति से ये पॉसिबल है। आप इसको जो है तप तपस्या करके
और अपने मासक श्रमण करके इसको वेस्ट करके ऐसी चीजें मांगने की इच्छा क्यों करनी चाहिए। लेकिन कई बार लोगों की इच्छाएं कब किस में रह जाती है पता नहीं चलता है। Those who are not knowing the properly the principle, or if they have not the samyak darshan, or if they are not that type of knowledge about that, still no doubt they are doing the practice of penance and fasting and everything, but not having that ultimate goal to do the destroy of all the karmas, वो नहीं समझते तब ये करते जाते। अब क्या करना? ऐसा तो होता है, ऐसा करते रहते हैं लोग। अब ऐसे स्थिति के अंदर यही यहाँ पर समझाया भी जा रहा है कि ये आपके कंपि लम्बीय जनाय रे समा गया दो विचित्र संभूया सुख दुख फल विभागम कहंती थे एकमेक सम। हाँ, कांपिल्यपुर नगर के अंदर चित्र और संभूति दोनों आए और दोनों का मिलन हुआ। वहां पर दोनों मिले। अब दोनों का मिलन होने पर भी जो है वहां पर उन्होंने परस्पर एक दूसरे को अपने आप के सुख दुख के रूप में समझाया समझा। बट दीज आर ऑल द विपाक ऑफ द कर्म। वॉट एवर टाइप ऑफ कर्म वी हैव डन इन पास्ट नाउ दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस कर्म। ये हम कैसे कर्म कौन भुगत रहा है कैसे भुगत रहा है देखिए। चक्रवर्ती महिडी हो बम्ब दत्तो महायशो भायरम बहुमानेणम इमम वैणम भवी। हाँ जी, महान रिद्धि संपन्न और महान यशस्वी चक्रवर्ती ब्रह्म दत्त वो खूब सत्कार पूर्वक अपने पूर्व भाव के भाई चित्र को भी इस प्रकार समझा रहे हैं, कह रहे हैं। अब पूर्व जन्मों के कथन में बात की है। आशीषो भाई राधोवी अन्नमन्न वसानुगा अन्नमन्न मनोरत्ता अन्नमन्न ही सिनो। ये दोनों ही जो हैं इस जन्म के पहले हम दोनों भाई थे, एक दूसरे के वशवर्ती थे, परस्पर हमारा दोनों का प्रेम भी काफी अच्छा था और इसी तरह से जो है एक दूसरे का प्रीति प्रेम रखने वाले परस्पर हितैषी थे हम। दासादसन्यासी मिया कालिंजरंजरेजने हंसामयं गतिरेय सोवागा काशी भूमि देवाय देवलोकमि आसियमे महिडिया इमानो छड़िया जाही अन्नमन्नेन ना जाविना। अब देखिए भाई, हम तो दोनों ही दशारण देश में थे, दास थे, फिर कलिंदर पर्वत पर वहां पर गए और हिरण बने थे और मृत गंगा के किनारे पर हंस बने थे और वहां से काशी में आकर के हमने एक लोअर कास्ट में चंडाल के कुल में भी हमने जन्म लिया था सा। अब इसके बाद में दोनों ही सौधर्म नाम के प्रथम देवलोक में गए, महान रिद्धि संपन्न देव बने और वहां से हमने दोनों ने छठा भव आज एक दूसरे से अलग अलग दूर रह करके हमने जो किया है समझे। ओहो, अब इस गाथा के अंदर देखिए कि चित्र और संभूत के पूर्व जन्म के नाम है। इस जन्म के अंदर उनका मिलन क्रमशः श्रेष्ठी पुत्र गुणसार मुनि रूप में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में हुआ। अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जन्म कांपिल्य में हुआ और चित्र का जीव जो है वो मुनि के रूप में विचरण करते हुए कांपिलपुर में पधारे। उसी समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भी पास्ट मेमोरी ओपन हुई और फिर जो है पास्ट मेमोरी से उन्होंने इनको जाना समझा देखा। अब पास्ट मेमोरी से चित्र को भी ध्यान हुआ और फिर उन्होंने आधा श्लोक बनाया था, बाद में इन्होंने इस तरह से किया। अब दोनों ही जो है साथ में आए समझे कि नहीं। अब यहाँ से मैं भी आधा राज्य कैसे दे दूंगा ये संयोग वश के निमित्त को। चित्र के जीव को मुनि के रूप में परिचय में आ और आज पांच पांच जन्मों की ये पास्ट लाइफ जो हमारी चल रही थी दो भाइयों की, अब इस चक्रवर्ती के भव में हम दोनों अलग हो गए और अब हम अलग अलग देश के अंदर जो है इस तरह से चल रहे हैं।
अब यहाँ पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती जो है, अब देखिए परस्पर दोनों के शुभ और अशुभ कर्मों का फल है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट कर्म, व्हाट टाइप ऑफ द कर्म दोस हु आर डूइंग यू सी, तो उनके जो जो कर्म जो जिस प्रकार के जैसे हैं, उनके अपने कर्म, अब उन कर्मों के निमित्त को लेकर के कौन किस तरह से होंगे सब। ऐसी स्थिति के अंदर कमानियान पगड़ा तुम्हें राय विचिंतिया ते सिंफल विभागेण विपोगम वा गया। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से ये विशेषता जो आए कि आखिर जो है कौन सा जीव किस जन्म में कैसे, अब थोड़े से दोनों के जो डायलॉग है वो समझने जैसे हैं। तो इसके अंदर सच सोय पगड़ा कम माम पुरा कहा कड़ा ते अज परी गुंजा मो किन्नो चित्ते से कहा। अब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, हे चित्र मैं पूर्व जन्म में अच्छे खराब जो भी कुछ कर्म किए, शुभ अनुष्ठान आदि किए थे और उसके फल स्वरूप में चक्रवर्ती रूप में आज बना हूं और आज मैं अपने पुण्य के शुभ कर्मों का फल भुगत रहा हूं, इसमें क्या गलत हो गया। सर्वम सुचिन्नम सफलम मोक्ष अति अथे ही कामे ही उत्तमे आया मामं पुण्य फलो में। जो मनुष्यों के द्वारा आचरित किया हुआ अस्य कर्म जो है शुभ या अशुभ प्रकार के वो तो फल देते ही देते हैं, अगर कर्म छोटे भी हैं या बड़े भी हैं। ऐसा हाँ, तो इस श्लोक के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्लोगन है, वो गोल्डन स्लोगन सेंटेंस है, वो भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, लिखना चाहिए। आप इफ यू कैन राइट डाउन निखिल भाई इट विल बी गुड। तो ये यहाँ इस श्लोक के अंदर शब्द जो आए कड़ान कमान, हाँ जी, ये जो शब्द है श्लोक का सेकंड स्टैंजे का मतलब लाइन है कि ये हुए कर्मों से कोई छुटकारा नहीं होता है। हाँ, ऑलरेडी आई थिंक सो यू हैव लर्न दिस गीता, सो व्हाट द श्री कृष्ण सेज टू द अर्जुन दैट अर्जुन कृतम कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कल्पकोटि शतैरपि। Sri Krishna says in Gita to the Arjuna, he is giving some teachings to him. Whatever type of karma you have done, you see, the punishment will have compulsory come. You will really feel that all types of punishment, what will happen. Same meaning can you listen from this Uttaradhyayana Sutra Agam Shastra now here, Kadana, Kammana, Namokroti. Because in this Uttaradhyayana Sutra Agam Shastra, it is the Ardhamarthi Prakrit language, and in Gita, the Sanskrit language is there. Sri Krishna is giving teachings to the Arjuna only in the Sanskrit language. Here in Mahavir Swami says already in the Ardhamarthi, the Prakrit language. किए हुए कर्मों से कोई छुटकारा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट भी देखिए साथ में, अगर हम कर्म शिथिल करते हैं, इफ इट इज नॉट निकाचित कर्म, सो प्लीज लिसन बोथ द टाइप ऑफ कर्म। सो व्हाट टाइप ऑफ कर्म, दीज आर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ कर्म। वन टाइप इज द निकाचित कर्म,
वी कैन से दिस निकांसित इन द सेंस 100% सॉलिड कर्म, ओवर सॉलिड कर्म. सो दिस टाइप ऑफ कर्म इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इमीडिएटली इन जस्ट दिस लाइफ. आइदर यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पेनेंस और नासक श्रमण और तपस्या, वॉट एवर यू आर डूइंग, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द कर्म. Now the second type of karma is the shithil karma. We can say this is the another type of the loose karma, not that much heavy and strong, you see. So we can destroy this karma in this life also if we are doing the practice of penance and fasting and tapasya and samayik and pratikraman or prayasitta. So you can remove these karmas and see that these karmas are 80% or the 90%. But this nikachit karma always only of the 5% or only the 10% or more than 20%. So these are the heavy and the solid karmas. It is not possible for us to remove that or not to destroy that. Anyhow, the result will come and we will feel that type of miseries or anything in this life. Either it may be in this life or may be possible in another next life. But this type of karma, it is possible. So already Mahavir Swami said that if you are doing fasting or any type of practice of penance or samayik or pratikraman and darshan and puja, whatever it is, due to that religious practice, you can remove this karma. How can you remove? You see, udhirna. Without having any type of punishment, without having any not present, you can just remove this karma. It is possible, but this is not possible at all. So this, what type of the dialogue between Chitra and Sambhuta? Muni, you see, what each and every person, those who are giving the answer to the each and every one, we should learn this, and we will, in the next class, I think so, if it's possible, I will finish this, because today, very big story, and the character of the both person was that, so it takes too much time now. We want to any question, we have that, Boli. So if anybody has any questions, please raise your hand. Sajji, as people are thinking, एक आपने जो यहाँ विस्तार किया है निकाचित कर्म शिथिल कर्म, तो इसमें नियाणा का उल्लेख क्यों नहीं आता है कर्म में, क्योंकि नियाणा भी एक निकाचित कर्म है. नियाणा इज नॉट द निकाचित एंड ऑल द निकाचित इज नॉट नियाणा, बट देयर आर सम डिफरेंस नो. It may be possible due to the niyana, the person can burn bind the nikachit karma, solid karma, or sometimes without the niyana also it is possible to make the strong karma. No doubt, the second one is the loose karma. It is not that much strong, but the people will not try to remove that. It will be also come with to the next life also. Because karma is already carried forward in the next life, third life, fourth life, you see. So what is our religion? Religion said the sabva pama panasano. The ultimate goal and aim of this religious practice is only that, to remove the karma, to destroy the karma. But if we will not do that, then we will know result of that. Haan ji, boliye baatiye. साहिब जी, इनके जो भाव होते हैं, पहला दो जुड़वा भाई होते हैं, दूसरा में आप सुन लेना, आप रिकॉर्डिंग सुन के बाद में ले. हाँ जी बोलिए हिना बहन. साहिब जी प्रणाम, मिचम अरे सुख साथ मासो. साहिब जी, जो कुछ हो रहा है अभी हमारी लाइफ में, सुख और दुख, वो फीलिंग्स है कि कर्मों के कारण है? रिजल्ट ऑफ द कर्म. रिजल्ट ऑफ द कर्म, तो जो भी कुछ है वो आगे पीछे कुछ भी हुआ है और किया है उसका फल है, तो उससे बचने के लिए. हाँ कहिए साहब जी. बचने के लिए आप जो है, यू मस्ट अवॉइड द कर्म. नो, एनी सिंपल एक्टिविटी, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, ऑल 18 टाइप्स ऑफ पाप प्रवृत्ति, द सिंपल एक्टिविटी,
just to stop them, to remove them. If you will not bind the karma, it will not give you the reason. If you are binding the good karma, it will give you the merit and happiness in your life, either maybe this life or in the next life. But if you are doing the bad karmas, just like the sinful activity, then papa, then you will get the bad result of that, the miseries and unhappiness and everything you will get in this life or in the next life. So religion is only for that purpose. If you are suffering from any disease, then it is possible for you to take to some medicine also. Same thing like this. Adi Darsana Bhanti Boli. Yeah, Mathya Bhandami Maharaj Sahib. You know, in Shithil Karma, you said that by doing penance and fasting and tap and all those things, there can be karma can be removed. But right. Then there are what about the thoughts that you get? Your determination of that. You must decide, focus on that. This type of karma I have done with my any sinful activity for that purpose. Today I am doing one upas. Today I am doing second upas. I am doing the eighth upas. So all eight upases, the eight fasting, the atthai, it is only for this purpose. I don't want any kingdom. I don't want any happiness. I don't want any wellness. Nothing. I just want to destroy my karmas. So yeah, but what about the thoughts? That you cannot stop your thoughts. And the thoughts lead to karma. Right. So for to remove the thought or to stop the thought, you can do the meditation, you can do the concentration, you can do the teaching, you can do the study, you can do anything. In Samayik, what you are doing, that Swadhyay. So due to that Swadhyay, you can stop your thoughts. No. You can do the meditation, you can chanting the jap of Navkar Mantra, you can just remove the extra thoughts which is coming constant, non-stop. So if you are not in that kasai, the krodha, mana, maya, lobha, then you can stop your all these bad thoughts. Because minds, worldly and verbally and the physically, we are binding all types of karma. So we can stop this. It is in our hand. So you a question is now that if you cultivate aparigraha, would that also stop a karma? Right. Because excess thing which is not required, but still you are purchasing, still you have in your family life, there may be chances of struggle, dispute for that purpose also. So if necessary, then you must purchase, no doubt. But if it is not purchased, necessary, not required at all, but you have some wishes in your mind, I want this, I want this, I want this, then it will be parigraha. And for that parigraha, you have to do the krodha, mana, maya, lobha, raga, dvesha, klesha, kasai, kala. All the things are behind them. So why should not we avoid this thing, parigraha? We should live in our limitations. Aparigraha is not only about buying things. It's about the attachment of family members, emotions, title and everything. That is not parigraha. Family members, relatives are not in parigraha. But the things which is already you have collected, that is parigraha. Dhana, dhanna, khitta, vattu, what the shastra say, you see. If you have one house, if you have the 100 pairs of your clothes, dresses, can you stop now? Or again, do you want to purchase again and again? Is it more than sufficient or not? So everything which we have in our life, you see, please just take the limitation of it. The Jain sadhu's life, they are doing up parigraha. But for the grahastha, householder person, the limitations of the parigraha, alpa parigraha. You can live with the bilkul sadhagi se bhi aap jeevan jee sakte ho. Nobody is asking you that, Darsana Ben, how many dresses you have in your cupboard, either 100 or 200 or 300. Nobody is asking you. All the ornaments also,
the servant also in your house, they are also in parigraha. You are having the furniture, it is in your house. You have car, you see. If you have one car, then why should you purchase another car? So aparigraha is about materialistic thing. Right, right. Parigraha. Parigraha is for materialistic thing. Aparigraha, you are taking the limitations of that. And aparigraha, if you are totally renouncing this thing, then you become as a monk sadhu, that is called aparigraha. But if you are doing in your family life, the limitation of that, that is called alpa parigraha. Bolo Nikhil bhai. Thank you. मध्यवंदमी साहब जी, साहब जी मेरा क्वेश्चन पिछले 12वें अध्ययन में से अगर मैं पूछ सकता हूं तो। हाँ जी बोलिए। साहब जी वो 8वें श्लोक में यक्ष द्वारा शरीर पर प्रभाव की बात की है, तो यक्ष जब याज्ञिक वहां पे आते हैं तो मुनि के हरिकेशी मुनि के शरीर में प्रवेश करता है और उससे वार्तालाप करता है, तो उनके शरीर में ऑलरेडी आत्मा है जो पंचेंद्रिय के जीव शरीर में आत्मा जो होती है, तो उस उनके शरीर में फिर और एक आत्मा ने प्रवेश किया, वो यक्ष की आत्मा, तो वह कैसे होता है साहब जी, वो परिस्थिति क्या होती है? कुछ नहीं होता है, आपके घर में एक सर्वेंट है, यू कैन जस्ट प्रेस हिम, डिप्रेस हिम, सप्रेस हिम, एंड देन यू कैन टॉक ओवर टॉकिंग. सो व्हेन द अनदर सोल इज कमिंग इन अवर बॉडी, यू सी, ही विल डोमिनेट इन अवर बॉडी एंड ही विल जस्ट सप्रेस अवर ओन बॉडी एंड ही विल टेक ओवर चार्ज ऑफ दैट बॉडी एंड ही विल टॉक विद अनदर पर्सन, ही विल डू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज दे आर द ब्रेथ व्यंतर, दे व्यंतर इन द सेंस हैविंग दैट टाइप ऑफ विक्रिया, वो विक्रिया करके कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज देयर एनर्जी, यू सी. So it is possible and it is happening today also. Nothing is wrong, you see. Okay. Ji sir. साहब जी वही उसी पे रिलेशन में निगोद में भी डोमिनेंस होता है कोई आत्मा का? यहाँ पंचेंद्रिय जाति में पॉसिबल ज्यादा है ऐसा. व्यंतर आदि जो है वो पंचेंद्रिय जाति में होते हैं ना वहां पर जी. और एक प्रश्न है साहब जी, ये जो ट्विन्स का जो संबंध भवो भव में कैसे रह पाया? उसके लिए उन दोनों के थॉट लेवल्स उस प्रकार के थे, सिमिलर एक्टिविटी, सिमिलर विद एवरीथिंग, जब वो कर रहे थे तब सब कुछ उनके साथ में सेम चल रहा था, वो भी एक कर्म का अंग है ना, वही जीव साथ में आते हैं, वही साथ में जन्मते हैं, वही साथ में चलते हैं, ऐसा तो ट्विन्स बनते जी सर जी. आगे बोले नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सर्व साहुनम, हे सुपंच नमो कारो सर्व पाव पनासन, मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्, मंगलम् भगवान् नीरो, मंगलम् गौतम प्रभु, मंगलम् सोलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम्, चत्तारि मंगलम्, अरिहंता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतोदमो मंगलम्, चत्तारि लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतोदमो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं. धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद. विकाल वंदना साहिब जी, सुखसातम. अथेन वंदामि साहिब जी, सुखसातम. बहुत आशीर्वाद साहिब जी, सुखसातम रहो. त्रिकाल वंदना. धर्मला महाराज.
विजय भाई जी जी, पहला इनका भाव होता है, पहले दो ट्विंस होते हैं। हाँ, पहले दो ट्विंस थे, वहां से चेवन करके वो देवगति में गए, देवगति पूरी करके दूसरा जन्म दो युगल भाई फिर से हुए, उसमें सर्पदंश हुआ पहले भाई को, तो वो दूसरा भाई सर्प को मारने लगा और चूक गया और उसे भी सर्पदंश लगा, तो वो भी उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर तीसरे जन्म में दो हरण के रूप में जन्म हुआ, वो खड़े थे जंगल में, शिकारी का तीर दोनों में से पसार हो गया और वो मृत्यु हो गई वहां हरण की। चौथा जन्म दो हंस वो नदी लिखा है, मैं भूल गया नदी का नाम, दो हंस के रूप में जन्म हुआ और शिकारी के जाल में पकड़े गए और वहां भी उनकी मृत्यु हुई। और फिर पांचवें जन्म में चंडाल जाति में चित्र और संभूति करके उनका जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा ली, और फिर संभूति जो है उन्होंने वो नियाणा बांधा कि मेरा मां संक्रमण के तप से ब्रह्मदत्त वो चक्रवर्ती के रूप में जन्म, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में जन्म होता है, और इस तरफ चित्र जो है वो नगर सेठ के बालक के रूप में जन्म होता है उनका, और वो दीक्षा लेते हैं। बीच में एक देव भाव होता है ना।